नमस्ते, मैं दिव्य प्रकाश दुबे और मैं किस्से लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, कुछ सुनाता हूँ। आजकल के माहौल में जब कोरोना ने हमारे सामने जीने और मरने का सवाल बिल्कुल हमारे आसपास लाके खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में हम हमेशा ये सोचते थे कि ये तो कोई बात की चीज़ है, कोई ये बाद में होगा, और हम इतना कभी नहीं सोचते थे, इतनी इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में आसपास के समय में नहीं थी। और तब जब इस माहौल में कुछ भी क्रिएटिव करना या कुछ भी ऐसा सोचना जिसमें होप हो, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे माहौल में मुझे एक कहानी याद आती है, एक किस्सा याद आता है बल्कि, जब मैं क्लास 7th में हुआ करता था और हिंदुस्तानी रेलवे जो है और रेल ट्रेन से मैं जा रहा था हरदोई से लखनऊ की तरफ। अकेले घर वालों ने भेज दिया था, कुछ जेब में 200 रुपये रख दिए थे, जनरल का टिकट था, स्लीपर में बैठा दिया गया था कि टीटी आएगा तो उससे ये 110 रुपये होते हैं, इसका टिकट बनवा लेना और बाकी 90 रुपये में तो घर पहुंच ही जाओगे। तो बहुत पहले की बात है और तब 200 रुपये बहुत होते थे, और जेब में जब 200 रुपये थे तो हाथ भी वहीं रखा रहता था कि क्योंकि पर्स रखने की उम्र नहीं हुई थी। और मैं जा रहा था कुछ अपना कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हुए, तब आदत थी कि एक खिड़की वाली सीट मिल जाए तो मतलब जैसे दुनिया मिल गई, और इस उम्मीद में स्लीपर में घुसे। अब उसमें पहले से लोग भरे हुए थे और जो हरदोई से लखनऊ तक की दूरी है वो करीब 110 किलोमीटर की दूरी है, और ट्रेन से करीब करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। बीच में एक स्टेशन संडीला आता है। जैसे ही मैं जाके बैठा और एक छोटी सी जगह मिल गई, एक बाबा बैठे थे, एक बूढ़े से अंकल बैठे थे, और जो साइड वाली सीट थी वहाँ पे एक दो लोग बैठे थे। जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो पड़ोस वाली सीट पे लड़ाई होना शुरू हुई, क्योंकि उस समय भाई स्लीपर ऐसा नहीं था ना कि आपका रिजर्वेशन है तो कोई आके बैठेगा नहीं, दिन में तो सब कुछ जनरल हो जाता था। और वहाँ पे लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लगा कि अब बस मारपीट हो जाएगी, और दो लोग लड़े जा रहे हैं, फिर टीटी आया, फिर झगड़ा झंझट हुआ। और मैं चूँकि बच्चा था और लगभग शायद पहली बार ही घर से अकेले भी जा रहा था, तो मन थोड़ा डर गया, जैसे घबरा गया। और दो लोग कि भैया हमारी सीट है तो मेरा रिजर्वेशन है तो हमने भी पैसे दिए हैं, तो इस बात पे पूरा का पूरा आधे घंटे सब माहौल चलता रहा। खैर संडीला आया, उनमें से एक आदमी उतर के चला गया। इतने में जो मेरे साथ में अंकल बैठे हुए थे वो तब तक कुछ नहीं बोले थे। मैं अब खिड़की वाली सीट पर, मुझे किसी ने कहा भाई बच्चा है खिड़की वाली सीट दे दो, दे दी थी। अब मैं खिड़की वाली सीट से उस आदमी को जो लड़ के मेरे पड़ोस में ही बैठा हुआ था जा रहा था, तो मैं देख रहा था, अंकल मुझे ये देखते हुए देख रहे थे, और मैं अपना कॉमिक्स में मैंने दोबारा अपना सर गड़ाया तो अंकल ने पता नहीं क्या सोच के मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा और बोले, कहते देख रहे हो इनको जाते हुए, कहते जो लड़ रहे थे। मैंने कहा हाँ अंकल बताइए। मतलब अब मैं तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था, और 7th का बच्चा कितना ही बड़ा होता है, और मैं तो वैसे भी बहुत दब्बू हुआ करता था, तब ज़्यादा बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहते ये देख रहे हो, एक चीज़ तुमने ध्यान से देखी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल ऐसी क्या चीज़ ध्यान से दिखा रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या अंकल? तो उन्होंने कहा देखो, जिस सीट के लिए ये लड़ रहा था उस सीट को इसने पलट के भी नहीं देखा, और यही ज़िंदगी है। हम जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं उन पे हम एक पॉइंट के बाद पलट के भी नहीं देखते, इतना ज़िंदगी मौका भी नहीं देती कि हम पलट के देख पाएँ। तो इसीलिए अंकल ने जो मुझे आगे बात बताई, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने ऐसा मेरे चेहरे में, मेरी आंखों में क्या देखा कि क्लास 7th के बच्चे को इतना गहरा ज्ञान दे दिया, जो मुझे बहुत साल बाद समझ में आई ये बात। उन्होंने कहा कि कभी भी ज़िंदगी में जो अपनी लड़ाइयाँ हैं वो देख के चुनना कि किन से लड़ना है और किस बात के लिए लड़ना है। ऐसी सीट जैसी लड़ाई कभी मत लड़ना कि जिसको तुम पलट के भी ना देखो। तो मैं कहानी का पर्पस भी यही था सुनाने का कि कोरोना ने और कुछ दिया या नहीं दिया, हम लोगों को एक मौका दिया है दोबारा ये सोचने का कि हम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे क्या वो सही थी, हम जिन बात के लिए उलझे हुए हैं क्या वो सारी बातें ठीक थी। अगर ठीक थी तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं थी तो ये वो मौका है कि हम अपनी गलतियाँ थोड़ी सी ही सही सुधारने की तरफ एक कदम बढ़ा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।